हाय गाइस, मैं हूं अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूं। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जो हमारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उससे हम बहुत सारे फ्लावर्स कैसे ले सकते हैं। तो जल्दी से अपनी डायरी लेके आइए और फटाफट से नोट करना शुरू कीजिए कि कौन कौन सी ऐसे टिप्स हैं जिसकी वजह से हम इस्तेमाल करके अपने बोगनविलिया या फिर गुड़हल का पौधा या फिर मोगरा का पौधा, जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, वहां से कैसे एक बहुत सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। पहली चीज आती है सॉइल कंपोजिशन के बारे में। आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को अपने घर के अंदर लगा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि सॉइल कंपोजिशन किस तरीके से बना रहे हैं आप। जो हमारा सॉइल कंपोजिशन है इसके अंदर कंपोस्ट होना चाहिए, प्लस इसके अंदर गार्डन सॉइल मिक्स होनी चाहिए और इसके अलावा इसमें कोकोपीट का मिक्स होना इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो वाटर है जैसे ही हम उसको डालें वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी रिटेन रहे, क्योंकि अब गर्मियां बहुत ज्यादा आ गई हैं तो गर्मियों में जो गमले होते हैं उनमें पानी सूख जाता है, तो सॉइल कंपोजिशन का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज वॉटरिंग का, आपको ये ध्यान रखना है कि वॉटरिंग की एक साइकिल को मेंटेन करके रखें। ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि जैसे आज हमने वॉटरिंग की फिर 3-4 दिन बाद वॉटरिंग कर रहे हैं, ये इरेगुलर पैटर्न होता है वॉटरिंग का। तो जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उनको जो वॉटरिंग आप दे रहे हैं उसका पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा। तीसरा, फर्टिलाइजर का ध्यान रखिए। अपने फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को जो पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर देना स्टार्ट कीजिए, अगर आपको फ्लावर्स चाहिए तो। या फिर फ्रूटिंग वाले प्लांट्स की भी बात करें तो फ्रूट्स लेने के लिए भी हमें क्या करना होगा, पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को देना होगा। अब वो कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारे फ्लावर्स को या बहुत सारे फ्रूट्स को ले सकते हैं अपने प्लांट से, तो देखिए फर्स्ट है आप ऑनियन पील फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर और जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर है ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। वर्मी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा खाद है। घर का बना हुआ खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे ड्राई जो पत्तियां हो जाती है उनका चूरा बना लीजिए, और चूरा बनाने के बाद जब आप टिलिंग करेंगे यानी कि गुड़ाई करेंगे तो थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। इससे दो काम होंगे, मल्चिंग भी हो जाएगी और दूसरा फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी इस्तेमाल कीजिए पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब ये है, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा जो आपके प्लांट्स हैं उसमें कीड़े तो नहीं लगे हैं। प्लांट के हर पार्ट में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता जो ये कीड़े हैं इतने शातिर होते हैं, पता नहीं कहाँ पे छुप जाते हैं। तो एफिड्स, मिलीबग्स, व्हाइट फ्लाइज, बहुत सारे ऐसे खतरनाक इंसेक्ट्स जो हमारे प्लांट को अटैक करते हैं और खराब कर देते हैं, उसके लिए पेस्टिसाइड का यूज कीजिएगा। मैंने पेस्टिसाइड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाके वहां से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इन सारे टिप्स को यूज करके आप अपने फ्लावरिंग वाले प्लांट से या फ्रूटिंग वाले प्लांट से फ्लावर्स को या फ्रूट्स को ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा कॉमेंट करके। हमारे गार्डन गपशप यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।